तो बृहदारण्यकोपनिषद वेद में कहा गया कि देखो पहले एक बात समझो सब लोग, क्या नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति, नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति, नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। वेद कह रहा है ये पहला ज्ञान है, यहीं पर गाड़ी रुकी है हम लोगों की। ये मंत्र कहता है कि देखो कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती, कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई भी बेटा बाप के लिए कुछ नहीं करता, कोई बाप बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करता, न कर सकता है। कब तक? जब तक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दिव्यानंद अपरमिषे परमानंद अपौरुषे सुख न मिल जाए, सब उसी आनंद के लिए, अपने 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 आनंद के लिए। सर्वेषां विभूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद् वल्लभतयैव हि। भागवत दशम स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक है। जितने भी आप लोग स्थानों में प्रेम करते हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, क्यों करते हैं? एक वस्तु के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए, उनके सुख के लिए नहीं, उनमें प्यार नहीं है, अपने में प्यार है। क्योंकि संसार में जितने स्त्री पति बाप बेटे आदि हैं, ये जब तक अनुकूल रहेंगे तभी तक इनसे प्यार होगा आपका, और आपके खिलाफ हो गए तो गोली मार देते हैं लोग, बाप को, बेटे को, बीबी को, तो कहां है उसमें आनंद? इन सब वस्तुओं से आप आनंद चाहते हैं, ये टेयर ऑफ है इनके द्वारा। क्योंकि आप समझते नहीं है कि मैं आत्मा हूं और संसार मेटीरियल है, माइक है, और मैं स्पिरिचुअल हूं, दिव्य हूं, भगवान का अंश हूं, तो मेरा सुख तो अपने अंश ही में होगा, भगवान में। ये संसार तो शरीर के लिए है, पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत का संसार, ये शरीर चलाने के लिए भगवान ने शरीर संसार बनाया है, अब आप इसमें ढूंढ रहे हैं आनंद। तो संसार में कोई किसी का हितैषी नहीं है, हितैषी बस दो होते हैं, एक भगवान एक महापुरुष। क्यों? इसलिए कि उनका अपना कोई काम अवशिष्ट नहीं, वो क्या करें बेचारे? जिनका अपना कोई काम ही ना हो तो वो बैठे बैठे बोर होगा ना,
तो वो दूसरे का उपकार करता है अकारण पर उपकार।